सिटीजन लॉगिन से घर बैठे दूर करे परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां। अब आमजन को कॉमन सर्विस सेंटरों से नहीं काटने होंगे चक्कर। अब आमजनों को कॉमन सर्विस सेंटर के नहीं काटने होंगे चक्कर। सरकार ने दी राहत। सीएससी सेंटर पर नहीं जाना होगा। परिवार पहचान पत्र में किसी भी विकल्प के सत्यापन की जांच करने के लिए काम करेगा ये विकल्प। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को ठीक कराने के लिए उपभोक्ताओं को कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सीएससी सेंटर में नहीं जाना होगा। सीएससी सेंटर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र में आमजन के लिए सिटीजन लॉगिन की सुविधा का विकल्प दिया है। अब आमजन घर से ही अपने मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से किसी भी प्रकार के सत्यापन का ब्यौरा देख सकेंगे। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में सहजन नए मोबाइल नंबर को भी अपडेट करा सकेंगे। परिवार पहचान पत्र के जिला प्रबंधक सुमित कुमार ने बताया है कि सरकार ने आमजन को परेशानियों को समझते हुए नया विकल्प दिया है। आमजन की परेशानी को देखते हुए नया विकल्प दिया गया है। जिला प्रबंधक ने बताया कि नए मॉड्यूल में आमजन को कई सुविधाएं मिलेंगी। कोई भी व्यक्ति सीधे पीपीपी की साइट पर पहुंचकर सिटीजन लॉगिन की सुविधा का लाभ उठा सकेगा। जैसे आय, जन्मतिथि, जाति, दिव्यांगता का ब्यौरा सत्यापित हुआ नहीं, खुद की जांच सकेंगे। ये ब्यौरा अपडेट हुआ, सत्यापित हुआ या नहीं ये भी जांच कर सकेंगे। परिवार पहचान पत्र में बैंक अकाउंट सत्यापित हुआ कि नहीं इसके बारे में भी पता कर सकेंगे। अभी तक सत्यापन के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था। दूसरा फायदा ये होगा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर या मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में सहजन दूसरा नंबर अपडेट करा सकेंगे, जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। आधार या फिर पीपीपी को नंबर डाल सकेंगे। त्रुटियों को दूर करने के लिए आधार नंबर से लॉगिन कर सकेंगे या परिवार पहचान पत्र से लॉगिन कर सकेंगे।